सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है द बी स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है आज का, वो है टीरी को लेके। सब टी हाँ, टीरी कन्फर्म्ड हो चुका है डीके मोहन बागान में, और ये बात कन्फर्म किया है गोल्ड.कॉम ने। गोल्ड.कॉम ने क्या मतलब हुआ है, मतलब नॉर्मली गोल्ड.कॉम से फेक चीज़ नहीं दिखा था, बहुत ही बड़ा एक कंपनी है गोल्ड.कॉम, और ऐसे न्यूज वो लोग देते हैं फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी न्यूज है। गोल्ड.कॉम ने कंफर्म किया कि टीरी है ऑफिशियली साइन कर चुका है एटीके मोहन बगान के साथ। बट एटीके मोहन बगान ने ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट आप पकड़ लो कि एटीके मोहन बगान के लिए ही खेलेंगे टीरी नेक्स्ट सीजन। जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है राफेल क्रिवेलाडो को लेकर। राफेल क्रिवेलाडो के जो एजेंट थे उन्होंने बोल दिया कि हम लोगों ने ईस्ट बंगाल के साथ बात कर लिया है, और ईस्ट बंगाल ने जितना भी फीस रिलेटेड मैटर था उन्होंने बोला है हम लोग दे देंगे। बट राफेल क्रिवेलारो ने ये साफ साफ बोल दिया है कि मैं ईस्ट बंगाल में खेलूंगा अगर ईस्ट बंगाल ISL खेलेगा तो। यहाँ पे फिर वही क्राइटेरिया आ जाता है ईस्ट बंगाल के पास कि ईस्ट बंगाल को ISL खेलना पड़ेगा, वरना बहुत सारे प्लेयर्स ईस्ट बंगाल में ज्वाइन नहीं होंगे। ऐसे ही एक प्लेयर है राफेल क्रिवेलारो। ईस्ट बंगाल को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगी कि जितने जल्दी से जल्दी वो कंफर्म कर सके कि वो ISL में खेल रहे या नहीं, उतना उनके लिए भी अच्छा, वैसे वो टीम फिर बना सकते हैं, वैसे प्लेयर्स खरीद सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है संदेश झिंगन को लेके। संदेश झिंगन हेलेस्टर FC जो कि बुंडेसलीगा का थर्ड डिवीजन है उसमें जा रहा है, उस टीम में जा रहा है ट्रायल के लिए जुलाई महीने में। अगर उस टीम में ट्रायल हो जाता है तो चांसेस हैं कि संदेश झिंगन उसी टीम के साथ खेले, जो कि बहुत अच्छा बात है क्योंकि इंडियन प्लेयर जब यूरोपियन सर्किट में खेलता है तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। देखते क्या होता है। जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है दानिश फारूक को लेके। दानिश फारूक ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ईस्ट बंगाल में, ऐसा ही न्यूज निकल के आया है। ईस्ट बंगाल इस बार बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर ट्राई कर रहा है और दानिश फारूक उनमें से एक है, और बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेयर है मैं बोलूंगा, और रियल कश्मीर FC का ये प्लेयर, उसका रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है। ईस्ट बंगाल बहुत मतलब ट्राई कर रहा था कुछ दिनों से, बट मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि कोई प्रॉपर सोर्स मिला नहीं था मुझे, बट आज मिला है। हाँ, दानिश फारूक ईस्ट बंगाल में आ सकता है, बहुत हेवी चांसेस है। जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है AIFF को लेके। AIFF ने बोल दिया है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में शुरू होगा नया सीजन, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम लोग देरी करेंगे जनवरी के बाद बहुत सारे स्टेडियम्स को बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अंडर 17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, और इसी वजह से AIFF ने डिसीजन लिया है कि हम लोग सितंबर या फिर अक्टूबर में शुरू कर दें, एज बिकॉज स्टेडियम्स खोलना अभी लीगल हो, मतलब स्टेडियम खोल सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, लोग नहीं होगा बट स्टेडियम खुल सकता है। इसीलिए सितंबर और वहाँ पे IPL का भी एक चीज है कि टीवी राइट्स उसी के चक्कर में अभी तो सितंबर और अक्टूबर में ये बात हुआ है। आप कंफर्म समझ लीजिए या फिर सितंबर या तो अक्टूबर, इन दोनों महीने में से कोई महीने में शुरू हो जाएगा ISL और I-League दोनों ही। बस गाइस, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय।